शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी ये बीवी झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि अब इस मामले का किस तरह से हल किया जाए। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स और उसकी बीवी को साथ में लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए ताकि इस मामले का कोई हल निकाला जा सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मियाँ बीवी की बातों को सुनकर फिर उस शख्स से फरमाया, ऐ शख्स, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि तुमसे यहाँ जो भी बात पूछी जाएगी तुम उसका सच सच जवाब दोगे। तो ये सुनकर उस शख्स ने वादा किया और कहने लगा, या हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे मैं उसका सच सच जवाब दूंगा और झूठी बात अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हालत हैज में मुबाशरत की थी? ये सुनकर वो शख्स थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, हाँ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने अपनी बीवी के साथ इस हालत में मुबाशरत की थी जब वो हालत हैज में थी। तो इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ऐ शख्स, आप तो इससे इनकार ना कर, जब तुमने हालत हैज में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की थी तो उस वक्त तुम्हारा नुतफा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया था, यानी के गंदे खून के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से तुम्हारा ये बच्चा काले रंग का पैदा हुआ है, यानी के हैज की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की वजह से तुम्हारा ये बच्चा काले रंग का और बदसूरत पैदा हुआ है, लिहाजा अब तू इससे इनकार ना कर, ये बच्चा तेरा ही है, तू इसे कबूल कर ले और अपनी इस बीवी पर झूठी तोहमत मत लगा। ऐ शख्स, याद रख, हैज की हालत में बीवी के साथ सोहबत करना हराम और सख्त गुनाह का काम है, और जो कोई इस बात को जानते हुए भी हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता और ऐसे शख्स को जल्द ही तबाह बर्बादी मिल जाती है। हदीस पाक में आया है कि हैज के दिनों में अपनी औरतों से दूर रहो और उनसे नजदीकियां ना करो जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए। जब वो पाक और साफ हो जाए तो फिर उनके पास जाओ। इसकी तफसीर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हैज के दिनों में तुम अपनी बीवियों के साथ सोहबत ना करो, बाकी के मामलातों को, यानी के इन दिनों में तुम अपनी बीवियों से नफरत भी ना करो। इसलिए नाजरीन याद रखें कि हैज की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ हैज की हालत में सोहबत करता रहेगा तो ऐसा शख्स ईमान से खारिज हो जाएगा और फिर ऐसे शख्स को इस दुनिया में ही अल्लाह तबारक व ताला तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए आप इस गंदे और बेहुदा काम से अपने आप को जरूर बचाएं। अब नाजरीन आपको बताते चलें कि मजूर और कमजोर बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। एक मर्तबा मदीना शहर में एक जवान लड़की की शादी एक बूढ़े मर्द के साथ हो गई और उसके बाद दोनों मियां बीवी का एक दूसरे के करीब आना हुआ, यानी कि शादी की पहली रात इन दोनों मियां बीवी का मिलाप हुआ। लेकिन इत्तफाक से उसी रात उस बूढ़े आदमी का इंतकाल हो गया। अब क्योंकि इन दोनों का मिलाप हो चुका था इसलिए वो जवान लड़की हामला हो गई और फिर कुछ महीनों के बाद उस औरत को बच्चा पैदा हो गया। जब उसको बच्चा पैदा हो गया तो ये सवाल उठने लगा कि वो बूढ़ा शख्स तो शादी की पहली रात ही इंतकाल कर गया था, तो आखिर इसको ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? ये बच्चा किसी और मर्द का है? इस बूढ़े शख्स की एक पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके पहली बीवी से एक बेटा भी मौजूद था। उस सौतेले बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया
कि इस औरत ने जना किया है और ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है, ये बच्चा उस मर्द का है जिसके साथ औरत ने जना किया है। नाजरीन, यहाँ पर इल्ज़ाम लगाने की शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि सुतेला बेटा ये नहीं चाहता कि उसकी वरासत में कोई और हिस्सादार आ जाए। शायद इसी वजह से उसने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और कहने लगा, ये बच्चा हमारे बाप की औलाद नहीं है, हमारा बाप तो शादी की पहली रात ही इंतकाल कर गया था। फिर ये मामला हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचा और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो सौतेला बेटा अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया था, इसलिए ये बच्चा मेरे बाप का नहीं हो सकता। ये बच्चा तो जना के नतीजे में पैदा हुआ है, इसलिए मैं इस बच्चे को अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। सौतेला बेटा अपने साथ कुछ गवाहों को भी साथ लेकर आया था, वो सब भी यही कह रहे थे कि हाँ, इसका बाप तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया था, इसलिए ये बच्चा उसका भाई नहीं हो सकता। ये सब सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी लगने लगा कि सच में ये औरत ही कसूरवार है, सब लोग इसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। इसलिए सब की बातों को सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उसका फैसला सुनाने वाले ही थे। इतने में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सामरा मामला सुना तो फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सौतेले बेटे से सवाल किया, ऐ शख्स बताओ कितने अरसे तक ये दोनों साथ में रहे और आप जिस बच्चे पर अल्जाम लगा रहे हो वो बच्चा कहाँ पर है? ये सुनकर इससे पहले वाले बेटे ने कहा, हाँ या अली, मैं आपको दिखा तो सकता हूँ मगर इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो ठीक है, तुम कल उस बच्चे को लेकर आना, कल इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। दूसरे दिन सुतेला बेटा उस बच्चे को साथ लेकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, यही वो बच्चा है। बच्चे को देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ और बच्चों को बुलाया और सारे बच्चों को कहा कि सब बच्चे बाहर जाकर खेलो। थोड़ी ही देर में सब बच्चे आपस में घुल मिल गए और सब एक साथ उछलने कूदने लगे। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन सब बच्चों को गौर से देख रहे थे। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन बच्चों से कहा, ऐ बच्चों, सब एक साथ बैठ जाओ। ये सुनकर सारे बच्चे एक साथ जमीन पर बैठ गए। फिर आपने फरमाया कि तमाम बच्चे एक साथ खड़े हो जाओ, तो सारे बच्चे खड़े हो गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उन बच्चों को गौर से देख रहे थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वो सारे बच्चे बड़ी ही आसानी से बैठे भी और उठे भी, लेकिन उस बच्चे को बैठने और उठने में कुछ वक्त का सामना करना पड़ा जिस बच्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा था। ये देखकर फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला सुनाया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, ये किसी और मर्द का बच्चा नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का बाप बूढ़ा था, इसलिए इसमें कुछ कमजोरी नजर आ रही है और बाकी बच्चे जवान मर्दों के बच्चे हैं, इसलिए वो सारे तंदुरुस्त हैं। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें पुरसकून सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें,